जो हलाल है तेरे सामर्थ्य नाम से ढाड़ देता हूं इसी सारा निकार आंखों से जो सूजन जो भी आंखों की नाड़ियों में प्रॉब्लम है यीशु तेरे नाम से मैं आप क्या करता हूं मतलब 5 फुट की दूरी से भी इन्हें नजर नहीं आ रहा था कि कौन है। समझ आई? तो बंदे के मन में क्या विचार आते हैं जब ऐसा हो जाएगा कि नजर नहीं आए? ये कितनी उंगली? हाँ, अब दूरी देख लो। जो बंदा कह रहा है मुझे 5 फुट की दूरी और जहां पे ये खड़े कम से कम 50 फुट की दूरी होगी, यहां पे ये खड़े और जहां पे 50 फुट की दूरी, 5 फुट से भी नजर नहीं आ रहा था, 50 फुट की दूरी से भी क्या है बोलो, परमेश्वर साफ दिखा रहा है। हालेलुया। तो जिस सिस्टर का नाम गुरमीत कौर है और 6 मखनविंडी गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बता रहे कि 2 हफ्ते पहले इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। जे बता रहे कि इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, इनको धुंधला दिखाई दे रहा था और जैसे जे सिस्टर काफ़ी परेशान हो गए और जब से डॉक्टर के पास गए तो जे बता रहे कि जब डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी आईज की जो वेन्स है उसमें स्वेलिंग आ गई है, आंखों की जो नाड़ी है उसमें स्वेलिंग है, सोज है और जिसके कारण जो बता रही कि इनकी आंखों में पानी भर गया था, वो पानी आंखों से बाहर नहीं आता था, आंखों के अंदर ही पानी पूरी तरह भरा था और जिसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखाई देता था। जो बता रही कि इनको 5 फुट की दूरी पर से भी नजर नहीं आता था जिसके कारण जे बहुत परेशान हो चुके थे और इसी कारण इनको अपने घर के काम करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और जब जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको जब चेकअप किया तो उन्होंने एक ड्रॉप्स दिया और डॉक्टर ने कहा कि दिन आपने सुबह और रात के टाइम तो आँखों में डालना ही है पर एक दिन में आपने 12 बार इस ड्रॉप्स को अपनी आँखों में डालना है। और जैसे उनको करने के लिए बोला तो जे बता रहे कि उन्हीं दिन ही परमेश्वर के दास के द्वारा वचन आया था कि गुड फ्राइडे और ईस्टर की मीटिंग से पहले भवन में प्रेयर रखी थी। तो जिस दिन जे डॉक्टर के पास गए थे उस दिन भवन में प्रार्थना थी तो जे डॉक्टर से जब वापस आए अपने घर नहीं गए, सीधा जे भवन में ही आ गए। तो जैसे उस दिन उन्होंने प्रार्थना में अपनी प्रार्थना को किया परमेश्वर के आगे तो जब जे बाद में परमेश्वर के दास के साथ जब इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने जब मीटिंग की तो परमेश्वर के दास को इन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया और बताया कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा कर चुके हैं, आपने लगातार और भी चाहत और प्रार्थना करनी है और जैसे ही परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की तो इनके लिए प्रार्थना की गई। ले हंडोई, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। एक्टिविटी की आत्मा का प्रभाव शैतान तेरी हर युक्ति को तेरी प्लानिंग को मैं इसकी आंखों से खुदा जो के नाम से शैतान तेरी में प्लानिंग को तेरी योजना को मैं कैंसल करता हूं राइट नाउ। इसी समय सारी अंधकार की माद की बीमारी जितनी भी आंखों में सूजन जो हालात है खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से मैं ठाड़ता हूं इसी समय। यस खुदा, मैं ठाड़ देता हूं इसी समय सारा अंधकार आंखों से जो सूजने जो भी आंखों की नाड़ियों में प्रॉब्लम है यीशु तेरे नाम से मैं आख्या करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस आउट। शैतान तेरी प्लानिंग को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, कैंसल करता हूं, मैं तेरी शक्ति को निष्फल करता हूं यीशु के नाम से निष्फल करता हूं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस, मैं हील कर चंगा करता हूं, मैं आजाद घोषित करता हूं। यस, खुदावंद तेरा वचन कहता है
बीमारों पर हाथ रखोगे चंगे हो जाएंगे। उस वचन से मैं इस आंखों की घोषणा करता हूं चंगाई की प्रभु। सारा धुंधलापन, सारी आंखों में जो सूजन, जो भी नाड़ियों में प्रॉब्लम आई, यीशु तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से हट जाए, चली जाए, सारी माद की आंखों से चली जाए। मैं आजाद घोषित करता हूं प्रभु तेरे जीवन नाम से। यस विश्वास करता हूं जो मैंने बोला प्रभु तेरे नाम से तो कर चुका। और जे बता रहे कि जैसे इनके लिए प्रेयर हुई और परमेश्वर के दासनी को कहा कि अपने विश्वास से अपने घर के सारे काम करने, अपने मन में संदेह नहीं करना, और परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके। और जे बता रहे जैसे जैसे जे प्रार्थना में आ रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर के साथ मेहनत को किया, लगातार जे प्रार्थना में आते रहे। जो डॉक्टर ने कहा था कि दिन में 12 बार अपने ड्रॉप्स को आंखों में डालना है, और रात के और सुबह के टाइम में सिर्फ जे ड्रॉप्स डाल रहे थे, पर प्रेयर के कारण जे पूरे दिन जे अपनी आंखों में ड्रॉप्स नहीं डाल पाए। और जे बता रहे कि जो प्रेयर इनके लिए हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा, तो इन्होंने जैसे लगातार प्रार्थना की, धन्यवाद दिया और विश्वास से अपने काम करते रहे, तो परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आज फ्री कर दिया है। और जे बहुत ही खुश के जो बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम थी, इनको बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता था, अब साफ नहीं नज़र आता था, और घर में काम करने में प्रॉब्लम थी, और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। और इसको वाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे। इसे अपने हाथों को उठाते हैं जोर से। ये तो बहुत बड़ी तारीफ है, ये छोटा काम नहीं है खुदा ने जो किया, एक बड़ा चमत्कार किया है। सुनो मैं आप और भी आपको समझाता हूं। जब ये डॉक्टर के पास गए ना, क्योंकि सबसे पहले आंखों में दर्द आई, पानी भर गया और दिखना धुंधला दिखाई देने लगा। बोले क्या है ये 5 फुट की दूरी से भी नजर नहीं आता था। क्यों जी, ऐसा ही था। मतलब 5 फुट की दूरी से भी इन्हें नजर नहीं आ रहा था कि कौन है आदमी। समझ आई? तो बंदे के मन में क्या विचार आते हैं जब ऐसा हो जाएगा, कोई नजर नहीं आएगा। बोलो क्या है, क्योंकि आंखों वो कहते हैं वो दुनिया में एक उदाहरण है ना, दांत गए स्वाद गया, आंखें गई यहां गया। समझ आ रही ना? पर परमेश्वर ने ये बड़ा चमत्कार किया। जब जे आए उस दिन डॉक्टर के से मिलकर, डॉक्टर ने कहा कि आपकी वेन्स, आपकी नाड़ियों में जो, क्योंकि ब्रीक ब्रीक्स ऐसे वालों के जैसे ही हमारी आंखों के पीछे नाड़ियां होती हैं, उनमें सूजन आ गई, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है। टेस्ट लिखकर दे दिए सारे टेस्ट, ये टेस्ट कराओ। क्या कराओ? सारे ये सारे टेस्ट कराओ। इन्होंने टेस्ट तो नहीं कराए उन दिनों में, गुड फ्राइडे और ईस्टर की प्रार्थना में एक हफ्ते की प्रेयर चल रही थी, ये आगे ये प्रार्थना में आ गए, कोई टेस्ट करवाने नहीं गए। जब प्रेयर खत्म हुई इस दिन, क्योंकि उन दिनों में प्रार्थना में जब एक हफ्ते की प्रेयर रखी गई, तो मैं सब दिन यहां पे मैं उन लोगों के साथ जो भी आते थे मैं बैठकर उनके साथ प्रेयर करता था। तो जब प्रार्थना बीच में जो रेस्ट होती थी, कुछ चाय पानी की कुछ है ना, तो जब उसके बाद जब ये समाप्ति के बाद जब मुझे मिले तो उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई कैसे ऐसे हो गया। तो मैंने गाइड किया, मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोलो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की क्या रखता है, ताकत रखते हैं, आप विश्वास करते हो, कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या करना है, आपने किससे इलाज कराना है? कहते परमेश्वर से। मैंने कहा फिर बस इन दिनों की प्रार्थना में बने रहना। और परमेश्वर ने जैसे मेरे मन में डाला, मैंने प्रार्थना की। बोलो क्या की? देखो कितना बड़ा हालात था, 5 फुट की। इनको पूछो ये आपके मन में क्या क्या विचार आते थे। पापा जी जब मैं हॉस्पिटल गई थी, जिन्हें चेक किया वो कहता कि तेनू एंड का वेख के फिर ही नजर आना, हुण तेनू इदां ही दिखना वा। मतलब बिना, हाँ जी, एंड के बगैर आपको कभी नहीं नजर आएगा। इस तरह बोलिया उन्होंने। हाँ जी। अच्छा,
तो उस टाइम तो मेरा मन बहुत दुखी होया, पर मैं परमेश्वर को उस टाइम गई, परमेश्वर जी इस तरह हो नहीं सकता, तू ही मेरे नाल जे परमेश्वर। देखो है ना, हो सकता कुछ और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती, क्योंकि आंखों की नाड़ियों में वेंस में सो जाना, दिखाई ना देना, क्योंकि 5 फुट कितना होता है यहां से, इतना बस, यहां से नहीं, बिल्कुल ये पास कोई आता तो फिर इसे नजर आ रहा था, नहीं 5 फुट की दूरी से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मन में कई विचार आते हैं कि नहीं आते, पर जो मैंने सिखाया ये बने रहे और धन्यवाद देते। डॉक्टर ने इन्हें जो मेडिसिन दी, ड्रॉप्स दिया आंखों में डालने के लिए, तो ये दिन में उसने बोला 12 बार डालना, तो ये तो यहां पे प्रेयर में आ जाते थे। हाँ, तो सुबह डालकर आगे सारा दिन यहां पे प्रार्थना हो रही है, तो फिर जाकर शाम को जाकर घर जाकर डालते थे। हाँ, तो जो खुदावन के ऊपर भरोसा रखा, जो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हुई, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। बोलो क्या है? धन्यवाद करते रहे और मेहनत करते रहे, सब दिनों में प्रार्थना में बने रहे। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे बड़े चमत्कार करे? परमेश्वर सबके जीवन में चाहता है, पर कर्म बिना, बाइबल कहती तेरा विश्वास व्यर्थ है। ये कर्म करके दिखाया, जैसे यीशु ने एक अन्य की आंखों में मिट्टी लगाई, क्या लगाई? मिट्टी लगाई और उसे बोला जा जाकर शलीहों गुंड में धोले। तो क्या यीशु मसीह उसे वहीं पर चंगा नहीं कर सकता था? कर सकता है कि नहीं? उसे शलीहों कुंड में क्यों कहा जाकर धोले? उसका एक मतलब है, परमेश्वर जानता है कैसे किसी को चंगा करना है। समझ आ रही है? अगर वो बोलता नहीं प्रभु जी यहीं पे कर दो, मैं तो अंधा हूं, मैं रास्ते में कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है, कैसे होगा, कहाँ है, मुझे बताओ। अब उसने कोई सवाल नहीं किया, उस वचन को लिया और जाकर पूरा किया, जैसे धोया और देखने लगा। उसी तरह से इन्होंने जो वचन मेरे द्वारा परमेश्वर ने दिया, इन्होंने पूरा किया। बोलो क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं अगर सही भी हो जाए तो बिना चश्मे, बिना निक के द्वारा तुम आप देख ही नहीं सकते। अब आपको नजर आ रहा है? मैं नजर आ रहा हूं? बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत बढ़िया है, सच्ची बात है। क्योंकि जब जब प्रार्थना हो रही तो मैं यहाँ पे अगर बैठा हूं तो ये सामने बैठे तो मैं इन्हें नजर नहीं आता था उन दिनों में जब प्रार्थना में आई थी। ये बताया इन्होंने मुझसे बात की कि आप भी नजर नहीं आ रहे। अब मुझे बताओ ये फूल कौन से कलर के? नहीं, ये ऊपर वाले सबसे, ये वाले पीला, नहीं नीचे वाले नहीं, ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाले रेड है। ओ तारीफ करो, शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, और भी फता तेरे कोले। ये कितनी उंगलियां हैं? हाँ, दो, अब तीन, अब एक, अब पांच। अब दूरी देख लो, जो बंदा कह रहा है मुझे 5 फुट नहीं, मैं और जहां पे ये खड़े हैं कम से कम 50 फुट की दूरी होगी, यहां पे ये खड़े हैं और जहां पे मैं हूं 50 फुट की दूरी, 5 फुट से भी नजर नहीं आ रहा था, अब 50 फुट की दूरी से भी क्या है? बोलो, परमेश्वर साफ दिखा रहा है ये सब कुछ किसकी इच्छा को पूरा करने से हुआ है, किस पर विश्वास करने से हुआ है, किसके वचन को पूरा करने से हुआ है। ये छोटी तारीफ नहीं है, ये खुदावंद ने बड़ा काम किया है। जोर से अपने हाथों को उठाकर करो, हथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई, हथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई, हथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते, मैं दुखा तो आजाद हो गई, हथ रखिया यहोवा मेरे तो आजाद हो गई। होई कृपा वचन तेरा सुन के, होई कृपा वचन तेरा सुन के, होई कृपा वचन तेरा सुन के, वचन तेरा सुन के जिंदगी आबाद हो गई।
ओ हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते मैं दुखा तो आजाद हो गई। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते मैं दुखा तो आजाद हो गई। हाथ रखिया यहोवा मेरे सिर ते मैं दुखा तो आजाद हो गई। हाथों को उठाओ, जितने लोगों की आंखों की प्रॉब्लम है बोलो धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे भी तू ऐसा मन ऐसा विश्वास दे चुका है। यस खुदावंद, इस गवाही से मेरे अंदर भी इस गवाही का विश्वास दे चुका है और मेरी आंखों को भी बोलो परमेश्वर तू चंगा कर रहा, चंगा कर रहा है आज। राइट नाउ इस गवाही से तमाम अपनी अलग अलग आंखों की प्रॉब्लम से जो ऑनलाइन भी है, जो हमारे साथ हैं, राइट नाउ मैंने कहा चंगे हो जाओ, मैंने कहा चंगे हो जाओ, यीशु नासरी तुम्हें चंगा करे। आमेन, आमेन। क्या लाए हैं कुछ? ये ड्रॉप्स है इनके हाथ में, कितना खत्म किया है? बहुत काट रहा पहले, थोड़ा ही। अच्छा, ये लेकर आए हैं कि जो डालने के लिए कहा था? हाँ, थोड़ा यूज किया है, बाकी इनके पास ही है। समझ आ रही है? पापा जी सिर्फ सोमवार ते मंगलवार ने मैंने दिखाई दिता, बुधवार मैं पूरा बहुत बढ़िया देखा। लेहन कब हुई थी? सोमवार हुई थी, सोमवार हुई थी। क्योंकि जैसे किया लेहन सोमवार आई, सोमवार और मंगलवार नहीं, पर बुधवार से पूरी तरह से साफ दिखना शुरू हो गया। मैं देनी है गवाही ओ दे ना दी के यसु मैनू चंगा करेया। मैं देनी है गवाही ओ दे ना दी के यसु मैनू चंगा करेया। करा दिल तो तारीफ ओ दे ना दी, करा दिल तो तारीफ ओ दे ना के यसु मैनू चंगा करेया। कहिए हाथ उठा के, मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया। मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया। मैं देनी है गवाही ओदे नां दी के यसु मैनू चंगा करिया। अगर आप भी किसी दुख परेशानी जा हालात में हो जा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।